ஒரு கை ட்ரெயின். நமஸ்காரம் வணக்கம். 15906 விவேக் எக்ஸ்பிரஸ் பார்ட் 1 மே மேன் ஆப்கோ டிஜிட்டல் ஜர்னி திகாய் தி ஃப்ரம் திப்ருகட் டில் நியூ ஜல்பாய்குரி. அப் யஹா சே ஹமாரா பார்ட் 2 ஷுரூ ஹோனே ஜா ரஹா ஹை. ஜஸ்ட் ஒன் அட்வைஸ், அகர் ஆப்னே பார்ட் 1 நஹி தேகா ஹை தோ பஹலே ஆப் வோ தேகியே, தாக்கி ஆப் பூரி ஜர்னி மேரே சாத் கர் பேட்டே பேட்டே டிஜிட்டலி கர் பாயே. ஔர் யதி ஆப்னே பார்ட் 1 தேக் லியா ஹை தோ பார்ட் 2 என்ஜாய் கீஜியே மேரே சாத் டிஜிட்டலி. பட் ஐசே நஹி, ஷுரூ கரே சலியே குச் மியூசிக் கே சாத் பார்ட் 2 ஷுரூ கர்தே ஹை. So very good morning guys, this is day 3 in Vivek Express of 1500 kilometers ki journey karne ke baad ab hum pahunch chuke hain Durgapur West Bengal jo station open hua tha 1855 mein aur isko electrify kiya gaya tha in the year 1965. ab yahan par loco pilot guard dono change honge aur sirf itna hi nahi, ab tak hum diesel locomotive the par the, ab wo change hoga aur is taraf वो निकाला जाएगा और इस तरफ पीछे की तरफ लगेगा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मोर पावरफुल. वो बहुत पीछे की तरफ है तो वो तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा. एक टाइम पे इन दिस विवेक एक्सप्रेस अराउंड मोर देन 1500 पैसेंजर्स ट्रैवल कर रहे हैं, दिस इज़ फॉर श्योर. और जो पहली पैसेंजर ट्रेन थी ऑन ईस्टर्न इंडिया रूट वो चली थी ऑन 15 अगस्त 1865. आसनसोल ये स्टेशन ऑपरेट किया जाता है बाय द ईस्टर्न रेलवे जोन. एक मिनट रुकिएगा, ये रहा इंडियन रेलवेज का ब्रांड एम्बेसडर भोलू. और ये स्टेशन लोकेटेड है 96 मीटर्स अबव द सी लेवल, इंडियन रेलवेज का 29th बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन. यहाँ पर ऑलमोस्ट 171 ट्रेन हॉल्ट होती हैं, ज़्यादातर सब रुकती हैं, सिर्फ एक नहीं रुकती, वो है सियालदा दुरंतो एक्सप्रेस. और यहाँ पर आप इंडियन रेलवेज का ओल्डेस्ट इलेक्ट्रिक लोको शेड देख सकते हैं, जहाँ पर वैग 7, वैग 4, वैम 4 जैसे लोकोमोटिव्स आप देख सकते हैं. आपके लिए बैक टू बैक इंफोटेनमेंट और बैक टू बैक हॉल्ट्स. आराम से, हाँ आराम से कुर्सी की पेटी बांध के रखिए, बिकॉज बहुत लंबी जर्नी है, बिकॉज ये है विवेक एक्सप्रेस. यहाँ पर इस ट्रेन का 10 मिनट्स का हॉल्ट है प्रीमियम ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन में. मेरे लिए मैं आपको बता दूँ एक और डिफरेंस, राजधानी तेजस आउट ऑफ 100 मुझसे सिर्फ एक या दो लोगों ने पूछा था मैं क्या कर रहा हूँ, और एक्सप्रेस ट्रेन में आउट ऑफ 100 110 लोग पूछ चुके हैं कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ यार, मैं लोगों को बता बता के थक गया.
मेरे को लगा स्टेशन उस तरफ आएगा बट स्टेशन आया इस तरफ। अब हम पहुंच चुके हैं आगरा जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ का वेदर फिलहाल बहुत अच्छा है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पर आप ब्रिटिश एम्पायर की बहुत सारी बिल्डिंग्स देख सकते हैं। यहाँ पर एक पार्क है, स्वर्ण जयंती नेचर पार्क, फिर वाटर रिजर्वायर है साहेब बंद, और फिर एक फॉरेस्ट भी है मौनपुरा रिजर्व फॉरेस्ट। देने वाली जर्नी है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। बकुरा स्टेशन ओपन हुआ था 1880, ठीक है जी सर, थैंक यू सर। 1887 में यहाँ पर एक राजधानी स्टॉप होती है। आपके लिए होमवर्क है, जरा मेरे को कमेंट करके बताइए कौन सी राजधानी। पहले ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम, पहले ब्रेकफास्ट, भूख लगी है यार। कोल्ड कॉफ़ी का 45, डोसा का हो गया आपका 40 रुपया, डोसा का 40, और इसका गुड्डे का 30, ठीक है डन। ये भी है ना, चल रहा है, इसको डबल कर दो ना दोस्त, डबल कर दो, जल्दी जल्दी जल्दी। मिल गया, भाग ले, मिल गया, डोसा ले लिया, कोल्ड कॉफ़ी ले ली और एक बिस्किट ले लिया, जल्दी जल्दी। एक तो कोच इतना पीछे की तरफ है, यही तो मज़ा है यार ट्रैवलिंग का। और गई ट्रेन, मेरी ट्रेन लगभग मिस होने वाली थी, मैंने थर्ड एसी में बोर्ड किया और फिर मैं वहाँ से आया। तो ये रहा मसाला डोसा, फाइनली समथिंग टू ईट, खाने को भाई मसाला डोसा और उसके साथ साथ कोल्ड कॉफ़ी। और जो बिस्किट मैंने पीछे जेब में रखा था बिकॉज आई रैन, तो वो बिस्किट गिर गया, मैं तब भी थोड़ा थोड़ा डोसे से थोड़ी एनर्जी मिलेगी। और कोल्ड कॉफ़ी, अगर मैं एक बार कोल्ड कॉफ़ी पी लूँ फिर 2 घंटे के लिए मेरे को ऑलमोस्ट कुछ नहीं चाहिए। बट ऐसी रिस्क आप मत लीजिए, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा। काफ़ी किस्से सुनने में आते हैं कि इस जगह को मेदिनीपुर नाम कैसे मिला। जो मैंने एक ऑनलाइन पढ़ा है वो ये है कि यहाँ पर एक टेंपल है मेदिनी माता देवी का, तो वहाँ से इस जगह को नाम दिया गया। और मेदिनी माता का मतलब होता है द मदर ऑफ द वर्ल्ड। मेदिनीपुर और खड़गपुर के बीच जो रेलवे लाइन है उसको डबल किया जा रहा है, अभी काम चल रहा है। बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऑन एवरी 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी का बर्थडे है, तो उनकी याद में यहाँ पर अराउंड 15 किलोमीटर्स की एक रेस ऑर्गेनाइज की जाती है एवरी ईयर 23rd। अगर यहाँ से कोई ये वीडियो देख रहा है तो ज़रा मेरे को कमेंट करके बताइए तो सही। बट यहाँ का वेदर राइट ना, बीच में हमको मॉनसून मिली, बारिश मिली।
ये है हमारा नेक्स्ट स्टॉप इस इंडियाज लॉन्गेस्ट ट्रेन जर्नी का, हिजली। यहाँ पर 52 ट्रेन्स हॉल्ट होती हैं, एक ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती है और कुछ ट्रेन्स जो यहाँ रुकती हैं जैसे कि ओडिशा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस है, गुवाहाटी एक्सप्रेस है, भुवनेश्वर एक्सप्रेस है एंड मैनी मोर। अब मैं आपको एक टिप और दे दूँ इन केस अगर आप इसमें ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, पहले ही सबसे पहली जर्नी ये मत कीजिएगा। अगर आपको ट्रेन जर्नीज की आदत नहीं है, इफ़ यू आर नॉट यूज टू दिस, दिस विल बी वेरी टफ फॉर यू, बिकॉज मैं इंडियाज लॉन्गेस्ट राजधानी त्रिवेंद्रम राजधानी जो ऑलमोस्ट 43 आवर्स की जर्नी है वो भी कर चुका हूँ, तो मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और मैं ट्रेन में इतना ट्रैवल करता रहता हूँ। इन केस अगर आप इससे यूज टू नहीं है तो थोड़ी जर्नीज पहले कीजिए, तभी इस विवेक एक्सप्रेस में बोर्ड कीजिएगा, अदरवाइज वॉमिटिंग एंड देर आर चांसेस कि आप बीमार पड़ जाएं या फूड इन्फेक्शन, बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। मैं स्टेशन पर लंच के लिए कुछ देख रहा था, अंडा करी राइस और फिश करी राइस, चपाती का कहीं भी दूर दूर तक नामो निशान नहीं। भाई राइस आदमी कितना खाएगा, तो मैंने लकीली ये देखिए मिल गया पूरी सब्ज़ी, 5 पूरी हैं, थोड़ी सी सब्ज़ी और फिर है पिकल, एकदम एकदम लाइट, बस हल्का खाइए और खुश रहिए। मैंने कहा ना जूसेस, कोल्ड कॉफ़ी, एप्पल्स जितना हो सके वो कंज्यूम कीजिए, फूड तो मिनिमम। किलोमीटर्स की जर्नी करने के बाद हम पहुंच चुके हैं नॉर्थ ओडिशा की लार्जेस्ट सिटी, ये है बालेश्वर, और यहाँ पर एक शताब्दी रुकती है। लेट्स सी, आप कमेंट करके बताइए यहाँ पर कौन सी शताब्दी रुकती है। ये स्टेशन ओपन हुआ था 1896 में और यहाँ पर एक बहुत फेमस टेम्पल बाबा भूषणदेश्वर, जहाँ पर आप देख सकते हैं वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिव लिंगम्स, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट। और यहाँ से कौन कौन ज़रा वीडियो देख रहा है लाइक करके दोस्त बताइएगा ज़रूर। ये जर्नी पेशेंस का इम्तिहान है, बहुत कर रहा। मेरे दिमाग में फ़िलहाल सिर्फ ट्रेन और स्टेशंस घूम रहे हैं, सो आई नीड सम स्लीप नाउ, मैं थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। बैक टू बैक आप भी देख रहे हैं, फिर कल भी पूरा दिन है, ठीक है, मैं थोड़ा आराम करता हूँ और देखते हैं अब आपसे किस स्टेशन पर मुलाकात होती है। दोस्त लाइक बनता है, ये पार्ट टू है, पार्ट थ्री भी आपके सामने विवेक एक्सप्रेस का। अच्छी सी नींद पूरी करने के बाद भाई क्या नींद आई है, और एक कॉफ़ी मारने के बाद, कॉफ़ी पीने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं कटक, बिकॉज जंक्शन है तो यहां पर तीन लाइन है, खड़गपुर लाइन, कटक संबरपुर, कटक प्रदीप। कटक स्टेशन ऑपरेट होता है अंडर खुदरा रोड डिवीजन ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे, और कटक और भुवनेश्वर को अक्सर कहा जाता है ट्विन सिटीज ऑफ ओडिशा, एंड कटक इज ऑल्सो द स्ट्रीट
फूड कैपिटल ऑफ ओडिशा, और यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और कंज्यूम होती है, वो है फिश। और यहाँ के घर घर में सिर्फ एक डिश पॉपुलर है, वो है फिश करी। अगर आपको फिश करी पसंद है तो कटक आइए, ओडिशा आइए। जर्नी करने के बाद अब विवेक एक्सप्रेस पहुंच चुकी है ओडिशा की कैपिटल भुवनेश्वर। स्टेशन के बारे में आपको बता दूं, यहां पर लगभग मोर देन 150,000 पैसेंजर्स आते हैं एवरी डे, और इस स्टेशन को इलेक्ट्रीफाई किया गया था इन द ईयर 2001। इधर रहा स्टेशन भुवनेश्वर, को एक और नाम दिया गया है द टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, और पूरी और कोणार्क के साथ यहाँ फॉर्म होता है गोल्डन ट्राइंगल। और खाने की बात करें तो यहाँ पर दो डिश बहुत फेमस है, एक है पहला रसगुल्ला इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग करेक्ट, जो यहीं ओडिशा में ओरिजिनेट हुआ है, और दूसरा है छेना गजा। यार मुँह में पानी आ गया, ओडिशा में पहली बार आया हूँ भाई, मज़ा आ रहा है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, इस विवेक एक्सप्रेस में इतना कुछ एक्सप्लोर करने को मिल रहा है। ये है खुर्दा रोड स्टेशन कोड इज KUR 43 मीटर अबव द सी लेवल। यहाँ पर ऑलमोस्ट 20 मिनट्स का हॉल्ट है, यहाँ पर लोको पायलट गार्ड दोनों चेंज होंगे, प्लस लोकोमोटिव भी चेंज होगा। सबसे पहला काम है डिनर अरेंज करना, 20 मिनट्स का हॉल्ट है, मुझे टाइम दीजिए, लेट मी अरेंज द डिनर फर्स्ट। आप सोच रहे हैं कि भाई बंदे ने सुबह का मसाला डोसा खाया है, फिर दोपहर में सिर्फ पूरी खाई है और चल रहा है, मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं है। मैं बीच में कुछ ना कुछ खा रहा हूँ, जैसे कि या तो केक, वो जो पेस्ट्री आती है ना, वो मैंने अभी फ़िलहाल वेज पफ खाया है, फिर दो बार बादाम मिल्क पी लिया। मैंने आपसे कहा था ना मैं बहुत बहुत लिमिटेड, बट अगेन आई एम सरप्राइज, यहाँ वेज का कुछ भी ऑप्शन नहीं है। और खुर्दा पे मुझे क्या मिला, ये एग्स और राइस, यानी कि एग करी राइस, यहाँ पर फिश करी था, तो मुझे फ़िलहाल बेस्ट ऑप्शन यही मिला है। और यहाँ की पेंट्री कार का फूड, नो कमेंट्स। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा भाई, अगर ये सच बता रहा हूँ, मतलब फूड के लिए मैंने ट्रेन में इतनी मेहनत कभी नहीं की। अगर ये वीडियो मेरी मम्मी ने देख ली ना, तो पता है मम्मी क्या करेगी, मम्मी पनीर की कोई सब्ज़ी बनाएगी और फिर बटर रोटी, और फिर मम्मी वो सर्व करेगी कि भाई मेरे बेटे ने कुछ नहीं खाया। अब जो हमारा नेक्स्ट हॉल्ट है वो है ब्रह्मापुर, जो आई गेस नेक्स्ट हाफ एन आवर में आएगा, तो अब मैं वो स्किप करने वाला हूँ। अब मेरी आपसे सीधी मुलाकात होगी पलासा पर। इट हैज़ बीन विद द सेम चीज, इट हैज़ बीन अ लॉन्ग डे। अब हम पहुंच चुके हैं पलासा, जो सर्व करता है ऑलमोस्ट एवरी डे 75,000 पैसेंजर्स। ऑफिशियल हॉल्ट है 10 PM, नाउ इट इज़ 9:35, 25 मिनट्स बिफोर। सो दैट्स ऑल गाइस फ्रॉम दिस व्लॉग, विवेक एक्सप्रेस का पार्ट टू अब यहीं एंड होता है। आई होप यू लाइक्ड, अगर मज़ा आया रिमेंबर टू लाइक दिस, और इस कंटेंट को लोगों तक पहुँचाइए, बहुत प्रीमियम कंटेंट है, व्हाट्सएप फेसबुक शेयर कीजिए, एंड इफ़ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा,
हिट द बेल आइकन बिकॉज आपके सामने अब आएगा बहुत जल्द पार्ट थ्री। और एक और चीज़ ध्यान रखिए, अब यहाँ से पलासा से विजयवाड़ा तक जितने भी स्टेशंस हैं मैं सब स्किप करने वाला हूँ। अब हम डे थ्री की नहीं डे फोर की और व्लॉग थ्री की शुरुआत करेंगे विजयवाड़ा से। सो दिस इज जोलेश सेइंग गुड बाय गुड नाइट फ्रॉम 200 जर्नीज। टेक केयर।